हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 55 वाला लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चा हमारा टॉपिक होगा एल्कोहल्स। हम बेटा एल्कोहल्स ही पढ़ रहे हैं। हमने एल्कोहल क्या होते हैं, एल्कोहलों का वर्गीकरण कर लिया, एल्कोहलों का नामकरण देख लिया, एल्कोहल बनते कैसे ये देख लिया। आज हम अपना एल्कोहल का प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स ये है जी, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स एल्कोहलों के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स मतलब एल्कोहलों के गुण। दो चार बेटा हम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करा देते हैं और फिर कुछ केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं बेटा, फर्स्ट एल्कोहल, एल्कोहल्स आर कलरलेस, एल्कोहल आर कलरलेस लिक्विड्स। एल्कोहल रंगहीन द्रव होते हैं। एल्कोहल कैसे होते हैं बेटा, रंगहीन द्रव होते हैं। रंगहीन द्रव। दूसरा एल्कोहल्स तीखे होते हैं। एल्कोहल्स, एल्कोहल्स आर बिटर, एल्कोहल्स आर बिटर इन टेस्ट, इन टेस्ट। तीसरा बेटा एल्कोहल आर बिटर इन टेस्ट मतलब एल्कोहल स्वाद में तीखे होते हैं, कसैले तीखे, ठीक है। तीसरा एल्कोहल की जो स्मेल की बात करें तो एल्कोहल की स्मेल बेटा एल्कोहलिक स्मेल होती है। इनकी स्मेल, इनकी स्मेल एल्कोहलिक होती है, इनकी स्मेल एल्कोहलिक होती है, एल्कोहलिक होती है बेटा इनकी स्मेल, इनकी स्मेल एल्कोहलिक होती है। फोर्थ इनका बॉइलिंग पॉइंट की बात करें बेटा, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। अब बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज की तो केवल केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा एल्कोहल्स की हम तीन प्रकार की पढ़ेंगे। कितने प्रकार की, तीन। देखिए ये है एल्कोहल्स, एल्कोहल्स, एल्कोहल्स मतलब आर ओ एच। इस आर का मतलब यहां पे सी बॉन्ड होगा, यहां पे सी बॉन्ड होगा, यही तो है। तो बेटा ये तीन तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज शो कर सकता है। देखिए आप, पहली OH बॉन्ड क्लीवेज हो, ये बॉन्ड टूटे, ये बॉन्ड टूटे बेटा, तो लिखेंगे फर्स्ट OH, OH बॉन्ड क्लीवेज, कुछ रिएक्शन OH बॉन्ड के क्लीवेज द्वारा दिखेंगे हमें, वो पढ़नी है। कुछ रिएक्शन बेटा
ये हो सकती है कि बॉन्ड यहां से टूटे, COH बॉन्ड, केबल COH, ये बॉन्ड टूटे, COH बॉन्ड क्लीवेज। अच्छा, कुछ रिएक्शन ये होंगी कि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड दोनों एक साथ टूटे, ये भी टूटे और ये भी टूटे, यानी कि दोनों बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड क्लीवेज। इन्हें हम एबीसी भी लिख सकते हैं बेटा, एबीसी लिख दें तो बेहतर होगा। ए इस तरह की होंगी, बी इस तरह की रिएक्शन होंगी और सी ये रिएक्शन। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? अंधेरा थोड़ा दिखने वाला क्या दिख तो रहा होगा। अब देख लीजिए रिएक्शन बाय दी ओएच बॉन्ड क्लीवेज, ऐसी रिएक्शन जो ओएच बॉन्ड के क्लीवेज से प्राप्त होती हैं। ए आइटम डाल दीजिए, ए रिएक्शन, ए रिएक्शन, ए रिएक्शन, ए रिएक्शन क्या है? वाई क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड, क्लीवेज बाय OH बॉन्ड, क्लीवेज बाय OH बॉन्ड। इसमें फर्स्ट है एसिडिक, एसिडिक, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल का अम्लीय प्रकृति। तो लिखना है बेटा, ऑल एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, ऑल एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, ऑल एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। क्यों होते हैं? बिकॉज, क्योंकि ये किसी मेटल, किसी मेटल, किसी धातु से रिएक्ट होकर H2 गैस मुक्त करते हैं, H2 गैस मुक्त करते हैं, रिलीज करते हैं। आपने एसिड, एसिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि कोई भी अम्ल होंगे तो वे नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते, लेकिन इनकी ये इतने एसिडिक तो नहीं होते बेटा। लेकिन दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ा था कि अम्ल जो होते हैं वे किसी धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, तो ये इतने एसिडिक तो नहीं है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे, लेकिन ये भी किसी मेटल से रिएक्ट होकर क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं, इसलिए ये एसिडिक होती है। फॉर एग्जाम्पल देखें आप, C2H5OH प्लस Na क्या बनेगा? C2H5ONa प्लस H2 प्लस हाफ H2। क्या कर रहे हैं बेटा? हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं, देखो हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहे हैं हाफ H2। नाम क्या है इसका? सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक, अब बेटा हमने बता दिया कि अम्ल जो होते हैं सभी अम्ल, सभी सॉरी एल्कोहल अम्लीय प्रकृति के होते हैं, सभी
एल्कोहल्स अम्लीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन आपने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल पढ़े हैं, तो बताइए आप प्राइमरी एल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं, सेकेंडरी या टर्सरी? तो ऑर्डर लिखवा देते हैं, यह प्राइमरी एल्कोहल यह सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, यह सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल टर्सरी से ज्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है, यह टर्सरी एल्कोहल। तो बेटा सबसे ज्यादा प्राइमरी एल्कोहल, फिर सेकेंडरी एल्कोहल, फिर टर्सरी एल्कोहल होता है एसिडिक। तो एसिडिटी का ऑर्डर ये है आपका, 1 डिग्री OH, 2 डिग्री OH, 2 डिग्री OH और 3 डिग्री OH, सबसे ज्यादा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। ठीक है, दूसरी रिएक्शन लिखिए बेटा आप, रिएक्शन विद एसिड हैलाइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड। दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड हैलाइड तथा एसिड एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड तथा एसिड एनहाइड्राइडों से क्रिया। रिएक्शन विद एसिड हैलाइड्स, एसिड हैलाइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड, रिएक्शन विद एसिड हैलाइड तथा एसिड एनहाइड्राइड। तो बेटा लिखेंगे एल्कोहल्स, एल्कोहल्स, एल्कोहल्स एसिड हैलाइड्स तथा एसिड एनहाइड्राइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स से रिएक्ट होकर, क्रिया करके रिएक्ट होकर एस्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एस्टर, एस्टर बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? एस्टर। देखिए आप, RCOCl ये एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड RCOCl, एल्कोहल से कराएं बेटा रिएक्शन, ये है एल्कोहल C2H5OH, C2H5 भी नहीं लाके लेके आ ही ले दो, ROH एल्कोहल, क्या निकला? HCl निकला, HCl। क्या हुआ? RCOOR, RCOOR और RCOOR क्या होता है? एस्टर होता है बेटा, आपको पता है एस्टर। इसी तरह बेटा एसिड एनहाइड्राइड से यदि हम रिएक्शन कराएं एल्कोहल की, तो भी क्या बनेगा? एस्टर। तो भी क्या बनता है? एस्टर। एसिड एनहाइड्राइड मतलब आर सी ओ
COR। अब आप कहेंगे सर एसिड एनहाइड्राइड ये क्या है? एसिड होता है RCOOH, एक है RCOOH, एनहाइड्राइड सब एनहाइड्रस का मतलब होता है कि इनमें से एक जल का अणु निकाल दो। जल का एक अणु निकालने के बाद दो एसिड मॉलिक्यूल में से एक जल का अणु निकलेगा तो क्या बचेगा? RCO, फिर ये वाला O, ये वाला O, फिर यहां पर C, यहां पर O, R, यही तो बचा है देखना आप, यही तो है। अब इसकी रिएक्शन कराऊंगा बेटा मैं किससे? एल्कोहल से, यानी R O H से क्या बनेगा? RCOOR। और RCOOH क्या बन गया? RCOOR प्लस RCOOH, ये बना एस्टर, ये बना कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर बन गया। यहां पर भी दो रिएक्शन हो गई बेटा। तो ए टाइप की रिएक्शन में क्लीवेज ऑफ ओएच बॉन्ड में केवल हमें दो रिएक्शन पढ़नी थी, एसिडिक नेचर और रिएक्शन विद एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड। अब हमने बी रिएक्शन पढ़नी है, बी यानी कि ओएच बॉन्ड का क्लीवेज देखेंगे, सॉरी सीओएच बॉन्ड का, सीओएच बॉन्ड का, सीओएच बॉन्ड का क्लीवेज देखेंगे। बी रिएक्शन है बेटा, रिएक्शंस बाय, रिएक्शंस बाय द क्लीवेज ऑफ सीओएच, सीओएच बॉन्ड, सीओएच बॉन्ड। इसमें पहली है रिएक्शन विद पीसीएल फाइव, रिएक्शन विद पीसीएल थ्री, चलो पीसीएल थ्री के साथ किसी भी ऑर्गेनिक कंटेनिंग, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन करवाएंगे, एस थ्री पीओ थ्री बनता है, क्या बनेगा? एस थ्री पीओ थ्री, और पीओसीएल थ्री के साथ कराएंगे तो सदैव पीओसीएल थ्री बनेगा। तो यहां पर एल्किल हैलाइड, आई थिंक एल्किल हैलाइड और एस थ्री पीओ थ्री बनेगा, देखो आप सी एस थ्री ओ एच प्लस पीसीएल थ्री, क्या बनाना है हमें? एस थ्री पीओ थ्री, एच थ्री पीओ थ्री बनाना है, एच थ्री पीओ थ्री। ओके, तीन करने के लिए यहीं पे चांस है, तीन करना पड़ेगा मुझे, तो तीन सी एस थ्री, तो तीन सी एल निकल जाएंगे, यानी कि थ्री सी एस थ्री सी एल। मैथिल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड बना थ्री सी एस थ्री के, थ्री सी एस थ्री के, तीन सी एल के, तीन सी एल के, तीन ओके, तीन ओके। अब हाइड्रोजन बैलेंस करो, तीन तीन नौ, नौ तीन, तीन तीन नौ, नौ और तीन कितना? बारह। यहां पर तीन तीन नौ, नौ और तीन बारह, तो रिएक्शन आपकी बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस। तो लिखेंगे पीसीएल थ्री से रिएक्ट होकर एल्कोहल, एल्कोहल एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं? एल्किल हैलाइड बनाते हैं, ठीक है, एल्किल हैलाइड बनाते हैं,
अब देख लीजिए बेटा, दूसरी रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल कोई भी हैलाइड ले सकते थे, हमने क्लोराइड ले लिया। थायोनिल क्लोराइड, क्लोराइड का मतलब एसओ, एसओ सी एल टू, एसओ सी एल टू। देखिए आप, यह आर ओ एच, यहां पे तो ओ एच बॉन्ड तोड़ना तो ओ एच ऐसे लिखो, प्लस सी एल एस ओ सी एल हो गया एसओ सी एल टू। एक एच के साथ सी एल निकाल दो, एक आर के साथ सी एल निकाल दो, बचा क्या एसओ टू, माइनस एसओ टू सल्फर डाइऑक्साइड आर सी एल प्लस एच सी एल, क्या बना यहां पर भी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड बनेगा बेटा। थ्योरी लिख लो, थ्योरी क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड बनता है। हो गया, तो बेटा इस तरह से पीसीएल फाइव से भी करेंगे तो क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड ही बनेगा, एल्किल क्लोराइड ही बनेगा। तो आज बेटा हमने ए और बी रिएक्शन पढ़ ली है, कल हम सी रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक। तो आज के लिए बस यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।